वीडियो में मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ ये सारा कुछ मेरा खुद का एनालिसिस है। कोई भी शेयर परचेस करने से पहले आपका खुद का एनालिसिस, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह लो, उसके बाद ही कोई भी शेयर को परचेस कर सकते हो। आज भी यहाँ पर इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया इस शेयर का फंडामेंटल होल्डिंग्स इसका टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करने वाले हो। चलो यहाँ पर फर्स्ट देखता हूँ। देखो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया आज का जो ट्रेडिंग सेशन है आज है 30 सितंबर 2024, तो आज का ट्रेडिंग सेशन में 10.49 और 50 इसी लेवल पे कॉन्सोलिडेट कर रहे हैं। चलो यहाँ पर इसके साथ साथ इसका फंडामेंटल एक बार देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसका जो फंडामेंटल है वोडाफोन आइडिया मार्केट कैप लगभग सही है, उसके साथ साथ पी रेशियो पूरी तरह से माइनस में चल रहा है। पी बी ए बी जीरो है और डेप्थ ऑफ इक्विटी ये भी माइनस में चल रहे हैं। उसके साथ साथ आर ओ ई ठीक ठाक ही है और ई पी एस पूरी तरह से माइनस में चल रहे हैं, फेस वैल्यू 10 पे चल रहे हैं। ये जो वोडाफोन आइडिया का फंडामेंटल है ये देख के मुझे लग रहा है कि इसका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक एक फंडामेंटल है। उसके साथ साथ बहुत बड़ा एक कर्जा है इसके ऊपर, इसको घटाना होगा नहीं तो ये शेयर आगे नहीं बढ़ेगा। उसके साथ साथ इसका जो होल्डिंग्स मैं ये एक बार देख लेता हूँ। देखो यहाँ पर रिटेलर्स एंड अदर्स फर्स्ट नंबर वन पोजीशन में रिटेलर्स एंड अदर्स। अगर किसी शेयर का होल्डिंग्स में फर्स्ट पोजीशन में रिटेलर्स एंड अदर्स है तो उस शेयर को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टाइम उस शेयर में एक डाउनफॉल होगा, बहुत बड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। देखिए यहाँ पर उसके बाद प्रोमोटर्स, तो चलो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ टाइम के साथ साथ। मार्च 2024 से 46.8 ये भी घट गया मगर नंबर वन पोजीशन में है, तो इसका जो होल्डिंग्स है डे बाय डे टाइम के साथ साथ पूरी तरह से डिक्रीज हो रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका वन डे टाइम फ्रेम चार्ट पे आ गया। चलो मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर मैं थ्री लाइन को पूरी तरह से ड्रॉ किया। ये शेयर आया था बहुत पहले, वोडाफोन आइडिया का शेयर आईपीओ में आया था अप्रैल 2007 पे। उसके साथ साथ इसका प्राइस था 52 इसी लेवल पे आया था। उसके बाद ये पूरी तरह से इंक्रीज किया मगर फिर भी डिक्रीज हो गया। हाई लगाया था 122 के आसपास। उसके बाद अप्रैल 2015 से ये शेयर पूरी तरह से गिर रहा है। तीन ट्रेंड लाइन में यहाँ पर ड्रॉ किया इस शेयर का जो लेवल है, इस लेवल को निकालने के लिए। अभी ये शेयर चल रहा है 10.50, 48.50 इसके आसपास। तो यहाँ पर जो मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके स्टे हो जाता है ना, ये जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन है सेवन का, सेवन पे पूरी तरह से आ जाएगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो मिडिल में मैं ट्रेंड लाइन क्रिएट किया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सेवन डेज आज से स्टे हो जाता है तो ये शेयर पूरी तरह से एक अपर साइड देख सकते हो। यहाँ पर और एक ट्रेंड लाइन है 11 पे, तो इस ट्रेंड लाइन को भी पूरी तरह से ब्रेक कर देगा और अपर साइड देख सकते हो आप यहाँ पर 13 इसके आसपास, 13 के आसपास ये पूरी तरह से पहुँच जाएगा। मगर इस शेयर में आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो होल्डिंग है डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ। और इसका जो होल्डिंग्स में फर्स्ट पोजीशन में वो भी है रिटेलर्स एंड अदर्स, किसी भी टाइम हैवी डाउनफॉल हो सकता है। इस शेयर के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है, तो इसीलिए ये शेयर पूरी तरह से 7.5 इसके आसपास आ जाएगा और इस लेवल पे कॉन्सेंट करेगा एक दो साल के लिए। और मेरा सजेशन यही कि अभी इस शेयर को आप परचेस मत करो, यही अच्छा होगा, क्योंकि ये बहुत वीक एक फंडामेंटल बेसिस शेयर है। मेरा जो कैलकुलेशन था मैं पूरी तरह से एनालाइज कर दिया वोडाफोन आइडिया के बारे में। सो आज चलते हैं मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में, तो टुडे शो के टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।